छतरक यह एक प्रकार की क्या कवक है, क्या कवक। अब देखो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था मृत जीवी जीव या मृत पोषी जीव, है ना। तो देखो मृत पोषी यानी ये ऐसे जीव सड़े गले मृत पदार्थों के ऊपर रहते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, मृत पोषी। देख रहे हो छतरक, ये छतरियां दिख रही है आपको, यह एक्चुअली में क्या है, एक प्रकार का कवक है। क्या है? कवक है। अब यह अपना भोजन इनसे कैसे लेता है, तो ध्यान से देखना, यह जो छतरक है यह अपने शरीर से पाचक रसों को क्या करता है, सड़ी गली चीजों के अंदर छोड़ता है और वहां क्या करता है, यह खाद्य पदार्थों को विलयन में बदल लेता है और विलयन में बदलने के बाद यह क्या करता है, उनको अवशोषित कर लेता है। इस प्रकार की जो ये जो जीव है यह कहाँ, सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं। देखा होगा ना आपने, जहाँ गोबर का ढेर रहता है या जहाँ पर बहुत सारी पुरानी लकड़ियां पड़ी रहती है वहां पर इस प्रकार के छतरक आपको देखने को मिलते हैं। दूसरे, ये छतरक विषैले हो सकते हैं, इनको कभी खाना, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की जो छतरक होती है, जैसे मैंने लिखाया था ना, क्या लिखाया था, खाने योग्य छतरक, क्या नाम लिखाया था, बटन मशरूम, उसको खाया भी जाता है, यह प्रोटीन का अच्छा भंडार होता है। तो अगर आपके प्रश्न आ जाएगा कि मृत पोषी जीव का एक उदाहरण होता हो, क्या बोलोगे, छतरक है ना, छतरक। पहले इनको क्या माना जाता था, पहले इनको पौधे माना जाता था, लेकिन अब इनको कवक नामक अलग ही वर्ग में रखा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, यह सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। बता दोगे? ओके।